गुड मॉर्निंग फ्रॉम जंगली रिजॉर्ट राजाजी नेशनल पार्क। अभी 8:30 बज रहे हैं, धूप तो आई नहीं है, हल्का सा ओवरकास्ट होगा शायद। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से लेट जाता हूँ, जब तक थोड़ा और सोता हूँ। एक बहुत छोटी चिड़िया आई हुई है, देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ। पत्तों के पीछे छुप गई है, ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत छोटी है, बहुत छोटी। पत्ते पे कैसे लेट रही है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ राजाजी नेशनल पार्क एंड व्हाइल यू स्टे इन जंगली रिजॉर्ट। मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तोड़ जाएंगी। चलो चलता हूँ, थोड़ा सा माहौल और चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाता हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:45। क्योंकि अभी बज गए हैं 9:45। ओहो भाई, रूम के अंदर मालूम नहीं चल रहा था, यहाँ पे आज पूरा ओवरकास्ट है और बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग चल रही है अभी तो फिलहाल। ये देखो, ये देखो, और जो मैं छाता भी नहीं लाया, मैं छाता तो कार में ही भूल गया। मदर ने दिया था छाता कि तुम छाता ले जाओ। ये कोटेज तो पूरी रात खुला रहा, कोई लेपर्ड इसके अंदर बेड पे ना लेटा हो। चलो उस तरफ देख के आते हैं। ये देखो, ये तो ब्रिक हाउस है, जैसा मैंने बताया था 3 बने हुए हैं। मैं सबसे राइट वाले में रुका था, फिर नीचे भी ब्रिक हाउस है, उसके नीचे बर्ड वाचर्स हाउस है। ये देखो यहाँ पे, ये वाले जो बेड है ना, ये लकड़ी के बने हुए हैं, ये लकड़ी के बने हुए हैं। इस तरह के काफ़ी अच्छे लगते हैं फॉरेस्ट में। अच्छा, ज़्यादा बारिश नहीं है, इतनी ख़तरनाक बारिश नहीं है कि लाइटनिंग हो रही है या क्लाउड बर्स्ट का खतरा है, नॉर्मल है। और मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा बादल आएंगे। सामने मणिकूट पर्वत देखो किस तरह से बादलों की फोक की आगोश में आ गया। अगर थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो, ये सबसे पहले फोक की आगोश में आता है। मैं टॉर्च लेकर रात इस तरफ आया था, यहाँ पे खड़े होकर फिर मैंने काफ़ी देर तक जंगल को फील किया था। अभी भी देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर मंदिर है, ये येलो कलर का ना मंदिर है। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो सबसे कोने वाला के वो है ना, वो सबसे मेरा फेवरेट है, वहाँ से पूरा व्यू आता है। नदी चल पड़ी है, इंडियन कॉमन बेबलर इधर घूम रही है, ये झुंड में रहती हैं और ज़्यादातर ज़मीन में पत्ते पत्ते हटा के अपना खाना ढूंढती है। बिल्कुल शांति में, कुछ ना बोले, इस तरह से खड़े हो जाओ आप तो कुछ ना कुछ आधा घंटा एक घंटे में कुछ ना कुछ मूवमेंट, काकड़ की, वाइल्ड बोर की, और किस्मत अच्छी रही तो एलिफेंट जाता हुआ भी दिख सकता है। और भी बहुत सारे रेप्टाइल, स्नेक, मॉनिटर लिजार्ड, बहुत चीज़ें हैं भाई देखने को, बहुत चीज़ें। इंडियन बेबर ना सबसे ज़्यादा डराती है, अभी कूद गई उसके ऊपर, टीन के ऊपर, तो आवाज़ हो गई, मुझे लगा पता नहीं क्या आ गया। मैं तो तुरंत भागा भाई रूम की तरफ। यहाँ पर बहुत सतर्क रहना पड़ता है, यही यहाँ की खूबसूरती है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखो सामने घर है, ये देखो सामने एक गांव वालों का घर है, अंकल घूम रहे हैं, और एक ही घर है बस यहाँ पे, इनके पीछे खेत हैं, और वो खेत है ना वहाँ पे जहाँ पे गायें बनती है, भैंस, तो वहाँ पे ना वो सोते हैं रात को जाके, और बाहर ही सोते हैं, अंदर गायें भैंस रहती हैं, बाहर सोते हैं। सो बैक टू रोम। सुबह सुबह मैंने तो भाई एडिटिंग मतलब 7:30 की कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको समेटता हूँ और नहाता हूँ और फिर उधर ही चलता हूँ जहाँ पे विवेक अवस्थी जी हैं, वो उठ चुके हैं शायद, उनकी आवाज़ आ रही है। चलो उस तरफ ही चलते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं झूला दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो विवेक अवस्थी जी का झूला टाइगर की खाल में। अब चलते हैं मंदिर। तितली देखो, देखो यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं, शायद लेमन है।
ये मंदिर है सामने, मंदिर के बराबर में मचान बनाई हुई है। ये देखो जंगल में, इस मंदिर में आके बहुत पीसफुल महसूस होता है। और यहाँ से मॉनसून में पेड़ पौधे ज़्यादा हो रखे हैं ना, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। ये यहाँ के फेमस खरगोश, एक ही बच रहा है, दो हैं, तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, जितने थे उतने ही है ना, नहीं, एक मार दिया ना बिल्ली ने कल। अच्छा कल ही मारा, परसों। अच्छा परसों दबा दिया होगा वो तो। हाँ, अभी भी क्या है गड्ढा खोदते हैं ना। अच्छा, गड्ढा खोद के सारे बाहर निकल गए थे। ओहो भाई, ये देखो पिंजरा ऐसे रखा हुआ था, ये गड्ढा खोदा और अंदर से बाहर निकल गए उधर से। ओहो, और बिल्ली बिल्ली कैसी थी, जंगली बिल्ली थी? अब वो मैंने रिकॉर्ड किया, वीडियो आएगा कल परसों में। अच्छा, तो विवेक अवस्थी जी के वीडियो में भी आ जाएगा वो। मतलब इतनी खतरनाक बिल्ली है कि बताओ, मार दिए बेचारे को, बताओ। मतलब वो खाती है मीट, खाती है बिल्ली? ये तो डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे बेचारे, अब ये डरे कि फिर से खोद के बाहर ना निकल जाए। हाँ नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा, या तो इसके नीचे तिरपाल पर ऐसे बिछा नहीं सकते। तिरपाल बिछाने से कुछ नहीं होगा, पहली बार है जैसे यहाँ किया था, अभी तो मैंने सरका दिया। अच्छा, उस गड्ढे को खोद, इधर कहीं गड्ढा था, मैंने सरका दिया तो वो गड्ढा अंदर चला गया। अच्छा, सो ये है यहाँ का व्यू, यहाँ की वाइब्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू, क्योंकि मैं टेरेस हाउस पे हूँ। कल रात हम यहीं पे बैठे हुए थे, मैं रात उस वाले कॉटेज में स्टे किया, फिर मैं ऐसे आया, फिर वहाँ पे मंदिर में गया। उस तरफ मंदिर है, इस तरफ खरगोश रखे हुए हैं, और ये देखो सामने रिवर। कुछ गाँव वाले जो रात को चिल्ला रहे थे ना, बार बार कुत्ते भी भौंक रहे थे, टॉर्च लेके भाग रहे थे, तो वहाँ पे थे, हमने भी काफ़ी टॉर्च से देखने की कोशिश, एक बार आँख दिखी बस एक बार। और वो देखो सामने मणिकूट पर्वत, ओ भाई कौवा देखो, ये देखो भाई सामने बिल्कुल ब्लैक क्रो, पहाड़ी कौवा वेट में है अपने शिकार के। और बराबर में बोला था ना, एक फैमिली रहती है, वो यहाँ रहती है, और इनके पूरे खेत हैं ऊपर ऊपर, उन्होंने गाय रखी हुई है, वहाँ पर सोते हैं। तो यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट लग चुका है, पोहा है, पराठे, दही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो चुका है। तो बस थोड़ी देर में फिर यहाँ से वापसी देहरादून की तैयारी करता है। शायद जो विवेक अवस्थी जी के फ्रेंड आए हुए हैं वो भी जाएंगे, उन्होंने भी कार पार्क कर रखी है जहाँ पे मैंने कार पार्क की है, तो आई होप वो शायद उनको छोड़ने जाएं जिप्सी से, तो फिर मैं भी चला जाऊँगा। अच्छा वो बारिश यहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही थी, कम से कम 1.5-2 घंटे हुई है, और ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती तो नदियाँ उफान पर आ जाती, और फिर वहाँ पर जहाँ से कल मैं कार बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया हूँ, तो वहाँ भी लैंडस्लाइड होने का चांसेस थे, और क्या पता हो भी ना गया हो इस ड्रिजलिंग में, देखेंगे वो तो जाके पता चलेगा। तो हरिमोहन भाई यहाँ से चलने से पहले ले आए हैं लेमन, क्या ये नींबू पानी। ये जगह ना बर्ड वाचिंग के लिए बेस्ट है, बहुत सारी बर्ड दिख रही है मुझे अलग अलग। वो देखो तो एग्जैक्ट 12:30 बज गए यहाँ से चेकआउट करने में। अब जा रहे हैं पैदल पैदल जंगली रिजोर्ट से अपनी कार के पास, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा। नदियाँ वगैरह क्रॉस करके जानी है, तो इसलिए उसी हिसाब से मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं, क्योंकि ये भीगेंगे, अभी जीप में नहीं जाएंगे। गोरे विवेक भाई, इनके दोस्त भी आज दिल्ली जा रहे हैं, ये अब अकेले रहेंगे यहाँ पर कुछ दिन। रुकने को तो मैं रुक सकता था यहाँ पर, लेकिन बाकी और भी काम है, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे जब रास्ता खुल जाएगा यहाँ पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जीप है, अभी इससे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी नदी में काफ़ी पानी आया हुआ है, तो ये फंस रही है ना बार बार। तो बाय बाय टू जंगली रिजोर्ट, किसी को इसमें आना हो तो भाई डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकता है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा फील होता है यहाँ पे। ये पूरा रिजोर्ट है ऊपर, और इस तरह से यहाँ पर ये माहौल है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं वाइल्ड बोर और काकड़ी दिखाई दिया था यहाँ पे, फिलहाल अभी तो अभी सुबह में लेट उठा तो नहीं दिख पाया, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा जल्दी दिखता है। ये देखो ये वाली लकड़ी इसी बार आई है भैके, कोई पेड़ टूटा होगा ना। हर साल बहुत सारे भैके आए और बहुत सारे निकल भी गए। अच्छा, तो जैसे ये लकड़ी सब टूटी पड़ी रहे तो कोई यूज़ नहीं है, तो गाँव वाले यूज़ कर लेते हैं इसको जब सूख जाती है। ये सिविल फॉरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं गाँव वाले। तो दोस्तों पहली बार मुझे पता चला है कि सिविल फॉरेस्ट भी होता है, ये सिविल फॉरेस्ट है। यहाँ पे 50% जैसे फॉरेस्ट वालों का हक है, उतना ही 50% गांव वालों का सिविलियंस के हक हक है। विंध्यवासिनी तक उन्होंने रोड बनाते हैं, उसके बाद रोड नहीं बनाते हैं, उसके बाद तो फिर अपने आप ही जितने भी रिजॉर्ट वाले हैं। वहाँ पे सामने अभी जो नदी आएगी जहाँ जिप्सी फंसी थी कल, उसके उस तरफ वो मणिकूट पर्वत है ना, वो
जिसकी हर साल एक बार परिक्रमा होती है उसी रास्ते से जिससे मामा आए हैं। टाइगर का भाई सबसे घना जंगल है मणिकूट पर्वत, सबसे घना कोर जोन है, जाना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे बच्चे को पता है, कल बच्चा वहाँ खड़ा हुआ था जहाँ जिप्सी खड़ी थी ना, मैं मेरे को आ जाता थोड़ा रिसर्च करने की, चलो बच्चों के मन में क्या है वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैंने बेटा मैंने कहा बंदेरा होने वाला जल्दी घर चले जाओ, कह रहे लेपड़ आ जाए, कह रहे हाँ वहाँ पे आता है, और कह रहा एक आपके रिजोर्ट की तरफ इस तरफ उंगली कर रहा था इधर की तरफ, कह रहे इस तरफ जंगल है, उनके लिए जंगल वो है और ये है, जहाँ वो रहते हैं वो जंगल नहीं है उनके लिए, वो कह रहे हैं। चलो तो इस तरह से हमें जिप्सी के पास जाना पड़ रहा है क्रॉस करके। चलो भाई देखो जूते जीन्स सब गंदा हो गया, मतलब गीला हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इसलिए मैंने तो लोवर पहन के आ गया था और अपना ये सैंडल। भीग गया भाई अपना तो लोवर भीग गया, मुझे पता था ये होने वाला है, अभी तो 3-4 बार नदी क्रॉस करनी पड़ेगी या ज़्यादा बार, तो पूरा लोवर गीला हो गया। अब अपना जींस रखी है बैग में, अपना कार के पास जाके चेंज करते हैं, वहीं शूज़ वगैरह पहनेंगे। तो पूरी टीम अपने साथ आ रही है, विवेक अवस्थी भाई के साथ, अपना शमशेर भाई और बाकी वो हरी भाई भी चल रहे हैं साथ में। सिक्योरिटी चाहिए भाई, साथ में अकेले नहीं आ सकते, तो पूरा स्टाफ भी साथ आ रहा है और अश्विनी की सिक्योरिटी सर्विस भी है। अच्छा अश्विनी सिक्योरिटी सर्विस, हाँ इनकी अश्विनी भाई की जो विवेक अवस्थी भाई की दोस्त है इनकी सिक्योरिटी सर्विस भी है और टेम्पो ट्रेवल भी है इनके पास, 14 पूरे 14 हैं, और ऐसे वाले जो किसी और के पास नहीं है पूरे नॉर्थ इंडिया में। अगर आपको टेम्पो ट्रेवलर बुक करना है हाँ अश्विनी टूरिस्ट सर्विसेज लिख दें। अच्छा अश्विनी टूरिस्ट सर्विस अगर गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा, अश्विनी टूरिस्ट डॉट कॉम मतलब आ जाएगी वो वेबसाइट है, लेकिन अश्विनी टूर एंड ट्रैवल अश्विनी टूर जेन्युइन है भाई, बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा आप दिल्ली में कहाँ हो, आईटीओ ऑफिस के पास हो ना, आईटीओ बाल भवन वहीं पे ही है, बचपन से रह रहे हैं। आउटर दिल्ली सेंट्रल दिल्ली वहीं पे हेडक्वार्टर है ना इनका। सुभाष चौधरी ब्लॉग्स बोलेंगे कितने परसेंट डिस्काउंट दोगे, कितने परसेंट 90 तो हम दे देंगे पक्का, यानी सर्विस के बारे में भाई देखो विवेक अवस्थी जी के दोस्त हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, किसी को अच्छा सर्विस चाहिए तो ले लेना। मैं तो जैसे वो कर रहा था, तुम्हें बकरी पसंद नहीं है, सेकंड टाइम रिवर क्रॉस हो रही है और भाई इस घने विहान जंगल में देखो दूर से दूर तक कोई नहीं है, दूर से दूर तक भाई इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने सैंडल और कुछ चप्पल वगैरह नहीं लेके आए तो जूते में, अब इनको दिल्ली जाना है पूरा ऐसे, पैर भी गल जाएंगे दिल्ली तक, तो गल जाएंगे दिल्ली जाके। एक पेड़ यहाँ पे आया हुआ है बह के, लेकिन हम इसके ऊपर चल के नहीं जाएंगे नहीं तो हड्डी पसली टूट जाएगी, गिरेंगे जरूर, बहुत पतला है, इधर से चलना पड़ेगा। पेड़ से भी आ सकते हो तुम, ये पेड़ से आ रहे हैं अश्विनी भाई, नहीं आ पाए नहीं आ पाए, डर गए नहीं, ये तो देखो दिक्कत हो गई। तो रास्ते में राइट साइड में एक घर पड़ा है और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है पहाड़ी, ये कुछ लेंगे यहाँ से। चलो आपको राजाजी नेशनल पार्क के अंदर जो एक छोटे से गांव, एक घर उधर है एक घर इधर है, तो इस तरह की मैं पहले भी आया था अंकल जी, हमें तो आपकी स्टोरी पता है किस तरह से लेपड़ यहाँ पे पकड़ा था, ये अंकल जी पे भी अटैक किया हुआ है लेपड़ ने। अंकल के पास देखो सब मशीन भी है, आटा चक्की की मशीन भी है, सब कुछ इंतजाम है ना, और ये देखो गाय, हाँ आप ही अटैक किया था लेपड़ ने, आप ही अटैक किया था है ना, हाँ फिर उन्होंने बेटे ने ऊपर से छत पे से वो डाली थी खाट, वो लड़का आया था जिसको भूरी भूरी कहते हैं, हाँ भूरी भूरी, हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो मेरे को हम तो यहाँ बंद हो गए, हाँ वो यहाँ सीढ़ी पे बैठ गया। अच्छा सीढ़ी आप अंदर बंद हो गए थे, आप अंदर, तो फिर वो ऊपर से उन्होंने खाट डाला, वाला भी था एक आदमी वो भी अंदर चला गया। अच्छा वो इंतजार कर रहा होगा, डरा नहीं लेपड़ ना, नहीं नहीं डरा वो। अच्छा उसके बाद वो उठ के यहाँ पर बैठ गया। अच्छा यहाँ पर बैठ गया, हाँ जी
तब ये भूरी ने उसने ऊपर से ऊपर एक तिरपाल रखी थी, उसने ऊपर से तिरपाल फेंकी पर उसने हटा दी। अच्छा ले, हाँ तो एकदम से हटा दी होगी। हाँ, हटा दी उसने, उसने तब वो चुपचाप नीचे से फिर बैठ गया चुपचाप। हाँ, वो इधर से उतरा। हाँ, ये बांस का लंबा डंडा था एक। हाँ, उसने उसको डंडे से तिरपाल को फिर उसके ऊपर डाला। अच्छा, तब तक हमारी ये बालीजी है ना रेंजर, बालीजी वो क्या नाम, रिजोर्ट वाले, रिजोर्ट वाले विजय बाली। अच्छा हाँ, विजय। अच्छा अच्छा ठीक है, बाली गए। ये भी आए यहाँ पर। हाँ, तो उन्होंने कहा बोलो प्रेम सिंह जी आपके पास कोई मतलब वो है जिसको इसको बंद कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मेरे पास तो कोई नहीं, एक ड्रम है। मैंने कहा भाई कुछ है तो उनका था उसका कुत्ते का पिंजरा। अच्छा, तो बोला मेरे पास है पिंजरा वो कुत्ते का, उसको ले आता हूँ। अच्छा, तो वो लाए। अच्छा, गए वो अपने रिजोर्ट में गए और फिर लाए लेके आए और उसके बाद में उन्होंने वो तिरपाल के मुंह पे लगाया। हाँ, और थोड़ा थोड़ा तिरपाल हटाई तो उसके अंदर घुस गया वो। अच्छा, ड्रम के अंदर। हाँ, वो उसके पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर। तब वो आगे उसी तिरपाल से हमने उसको लोट पोट कर दिया। अच्छा, चलो बढ़िया है भाई, ऐसे हादसे भी होते रहते हैं भाई। बिल्कुल बिहान जंगल है ये देखो सामने, दूर से दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ इन्हीं का घर है। और गाय दिखाता हूँ भाई, देखो कितनी प्यारी है। डरती है यहाँ की गाय ना, क्योंकि इनको लेपर्ड दिखते रहते हैं। छोटी छोटी गाय होती है ये। देखो भाई गांव की छोटी सी दुकान, क्या क्या मिल रहा है, टाइम पास के लिए सब वैसे रब मिल रही है। रिजोर्ट की दुकान है ये। हाँ हाँ, नहीं फिर बच्चे वगैरह आते रहते होंगे ना। बच्चे वगैरह आते रहते। ठीक है अंकल जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना। ओके, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना ये जो अंकल के लिए, और ये है कि भाई देखो पुस्ता बनाया था इन्होंने। ये पुस्ता बना था ना अंकल जी, ये वाला पुस्ता बना था ना। अच्छा टूट गया। हाँ हाँ, अगले साल फिर आएगा। अब तो चली गई बरसात, अब अगले साल वो अगस्त में रहता है ना। तो भाई देखो पुस्ता लगा लगा के बचाना पड़ता है घर, और लेकिन फिर भी पुस्ता, पानी ने इस बार इधर को कटान कर दिया होगा, है ना। या तो पूरा जेसीबी उधर चले गड्ढा करे तब जाएगा पानी, कौन करेगा। देखो इस तरह का पुस्ता था, इस तरह का था ना, इतना बड़ा भाई। देखो इतना बड़ा पुस्ता था, उधर भी था, देखो उधर भी है, बीच में से टूट गया, ये बचा है और इधर से टूट गया, पानी सब तबाह कर देता भाई। तो भाई ये वन विभाग ने करवाया था बहुत रिक्वेस्ट करने पे, अब बड़ी मुश्किल से करवाया था, पता नहीं दोबारा से करेंगे नहीं। अगर कोई वन विभाग का देख रहा है तो भाई इस तरफ आए आप, विंध्यवासिनी से आगे तो ये छोटी सी दुकान पड़ती है, तो घर है इनका, तो प्लीज़ पुस्ता करवा देना इनका। देखो आपके पहाड़ भी टूट रहे हैं, वो भी सेफ हो जाएंगे और इनका घर भी बच जाएगा। एक घर यहाँ पर, एक वहाँ पर है, तो इन्हीं से आप हो, आपसे ही ये हैं, तो मिलजुल के काम करो भाई। जंगल के अंदर टूरिस्ट और इस तरह के गांव वाले बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये हम आँख होते हैं जंगल की, हम ध्यान रखते हैं इस जंगल का। कोई भी गलत गतिविधि हो रही हो, कोई भी हमें दिखे तो हम बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, दिख भी जाता है यूट्यूब पे, पूरी पारदर्शिता होती है। जैसे हम ढिकाला जाते हैं या झिरना जाते हैं, कहीं भी सफारी करते हैं तो सफारी में टूरिस्ट जाते हैं, हर रोज़ हज़ारों टूरिस्ट जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे, सब ध्यान रखते हैं, सब प्यार करते हैं जंगल से। तो भाई पोचर्स भी हो गए या फिर कुछ भी गलत एक्टिविटी कोई भी करे, वो डरता है, 100 बार सोचता है, सोचो वहाँ कोई हो ही ना, ना टूरिस्ट हो ना कोई गाँव वाला हो, तो अंदर क्या चल रहा है किसको क्या पता। तो इसलिए भाई एक दूसरे का साथ दो, और हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती कि YouTube भी नेगेटिव है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जंगल में जाके, काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है, बहुत रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, हम उसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम फ़ायदा भी बहुत है भाई YouTube का, इससे फॉरेस्ट वालों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है, देखते हैं वो भी YouTube कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे मिला के टोटल 7 लोग हैं जो ग्रुप में चल रहे हैं। अगर इस तरह से ही फॉरेस्ट वाले चलते हैं जब भी टूट करते हैं, उनके पास राइफल भी होती है, नहीं तो डंडे होते हैं, राइफल भी ना हो तो एक पावर बनती है, टाइगर भी दूर हट जाता है, एलिफेंट भी और लेपर्ड भी। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेले से दुगनी पावर 2 में होती है, 2 से ज़्यादा 3, अगर 3 आदमी हैं तो भी बहुत बहुत होते हैं भाई। अब तो नदी में चलने में मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा पानी लग रहा है। तो शमशेर भाई यहाँ पे कुछ करने लगे, पूछते हैं इनसे क्या कर रहे हो शमशेर भाई। पानी पीने का जुगाड़ कर रहे हैं, देखो किस तरह से पानी पिया जाता है जंगल में। देखो ये अंडरग्राउंड आ रहा है, ये साफ है ना, क्योंकि देखो ये अंडरग्राउंड आ रहा है, आगे नदी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। कभी पानी पीना हो तो ऐसे पियो,
अभी साफ हो जाएगा देखो बिल्कुल। और मत करो, और मत करो, बहुत है मछली। मछली हाँ, मछली तो है, मछली हाँ मछली तो है, इसमें बहुत सारी मछली है। उससे पी लो ना, वहाँ से पी लो। गंगा जी में रहते हैं तो गंगा जी नहीं माना जाता क्या उनको? तो यहाँ क्यों नहीं पी रहे? वहाँ पी लो, वहाँ पे है। कहीं पी लो, जंगल में पीने का तरीका बताऊं क्या? ऐसे हाथ रख के मुंह से पीना, सबसे बढ़िया पानी, मतलब डिस्टर्ब मत करो पानी को। तो विवेक जी ने बताया जंगल में पानी पीने का तरीका, दोनों हाथ रखो और जैसे जानवर पीता है मतलब इस तरह से अनटच, क्योंकि जितना आप हाथ लगाओगे पत्थर हटाओगे आपको फिर वेट करना पड़ेगा। पानी साफ हो चुका है बिल्कुल, देखो अब ये इस तरह से शमशेर भाई ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर दूर से दूर तक कोई साधन नहीं है। तो विवेक जी भी पियेंगे, पियो और बताओ कैसा है, मोबाइल ना गिर जाए। वाह, जंगल के बीचों बीच बस पानी मिल जाए और क्या चाहिए। को पानी पीते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, आप मुझे देखिए। देखो इस पानी में मछली नहीं आएंगी क्योंकि अंडरग्राउंड आ रहा है, बिल्कुल छन के आ रहा है। बाकी उस तरफ नदी में बहुत मछलियाँ हैं। देखो हरिओम ने एक बैठने का तरीका बताया है, इसने बोला है कि फेस करो पानी की तरफ जहाँ से पानी आ रहा है ना, ऐसे यहाँ बैठो, इस जगह बैठो और ऐसे देखो, ये देखो कैसे पानी पी रहे हैं। ये तरीका है वैसे पानी पीने का, लेकिन तब जब साफ हो, लेकिन अभी गंदा है। तो चलते चलते हमें मिला ये बेर का पेड़, देखो सिर्फ इसी के नीचे छाए हैं। अगर जानवरों को रिलैक्स करना पड़ता है तो वो इसके नीचे अंदर घुस के ही रिलैक्स कर लेते हैं, क्योंकि दूर से दूर तक धूप है और गर्मी है, सिर्फ ये बेर का पेड़ ही आपको बचा सकता है। अभी फ़िलहाल इस पे बेर नहीं है क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, अभी भी इस पे बेर लगी हुई है कुछ। ये देखो ये रही बेर, कुछ खा लेते हैं तोड़ के, बकरियाँ चाव से खाती हैं इसको। मैंने कहा इस बेर को बकरियाँ ज़्यादा चाव से खाती हैं ना, सारी ख़त्म कर देती हैं। सवा एक हो गया और आधे घंटे चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी कार के पास, मतलब दिख गई है वो, देखो सामने खड़ी है रेड कलर की विवेक अवस्थी जी की कार है और सबसे राइट में मेरी बलेनो। एक और लास्ट वाटर क्रॉसिंग आई है फिर तो हम कार के पास ही पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं इस लकड़ी से होके तो जाऊंगा नहीं, फिसलने का डर है, ऐसे चलते हैं। सो विवेक अवस्थी जी तो हमें यहीं तक ही छोड़ने आए हैं कार तक, फिर ये वापस लौट जाएंगे, फिर आगे हमें इस पहाड़ पे ऐसे चढ़ के फिर उधर से होते हुए इस नीलकंठ पर्वत के उस तरफ पहुंच जाना है, मतलब मणिकूट पर्वत के उस तरफ, ऋषिकेश है, राम झूला लक्ष्मण झूला एग्जैक्ट इस पहाड़ के उस तरफ है। कार के पास पहुंच गए हैं और भाई कार बिल्कुल ठीक खड़ी है, चारों टायरों में हवा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब बाय बाय करते हैं विवेक अवस्थी जी को, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, देहरादून आओ तो बताना, और जब रास्ता मेरे ख्याल से 15 दिन में तो खुल जाएगा ये। आपकी बुकिंग कब से, रिसोर्ट की पहली बुकिंग कब से, इस सीजन की? अच्छा लास्ट वीकेंड सोल्ड आउट था, अच्छा यहीं से और यहाँ से पैदल गए, अरे वाह भाई, बताओ लोग कितने एडवेंचरस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, 30 तारीख वाला वीकेंड पूरा सोल्ड आउट ऑलमोस्ट हो गया, अभी ये आगे जो वीकेंड है वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है। बढ़िया, आप तो चली जाएगा रास्ता, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अच्छा लगा मिलके, ओके ठीक है ना, ठीक है स्वनी भाई, और ये हरिओम, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हरी मोहन इसका गांव यही है जहाँ खड़े हैं, और ये यहीं खेला है, यहीं पढ़ा है, ठीक है शमशेर भाई, ठीक है ओके बाय। चलो भाई चलते हैं, ठीक है दोस्तों, मैंने तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर दी है, 1:22 हो रही है। अब मेरा प्लान ये है कि जब तक मैं ऋषिकेश पहुँचूंगा जब तक भूख लग जाएगी और फिर नेपाली भाई के रेस्टोरेंट में बैठते हैं। कल तो बनता, आई होप आज खुला हो, बाकी रास्ता तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दूंगा क्या हो रहा है। अब ये है देखो पूरा रास्ता ना, यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है, ये यहाँ से बस, जो रात बारिश हुई है उसमें रास्ता टूटा ना हो। वैसे तो वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी थी रात वो भी सुबह निकल गई है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, एक दो जगह तो खैर ये फिसलेगी मुझे पता है। एग्जैक्ट 1:30 है, 10 मिनट हुए हैं वहाँ से निकलने में और अब तक कोई नहीं दिखा है मुझे, पूरे जंगल में अकेला ही चल रहा हूँ। और जो पीछे जो कार अभी आया वो मुझसे थोड़ा सा पीछे वाली कार मुझे दिख नहीं रही है, वो जो विवेक वासी के दोस्त थे अश्वनी जी,
उनकी अश्वनी भाई की, पूरा नोकीले पत्थर हैं, पूरा नोकीला रास्ता है, बस डर यही है टायर ना फट जाए, पंक्चर ना हो जाए, और कोई डर नहीं है। बाकी वो जो टैक्सी वाले भैया थे कल दिखे थे, वो कह रहे थे कि लेपर्ड उन्हें 2-3 बार दिखा है, फिलहाल अभी मुझे नहीं दिखा इस रास्ते पे। तो देखो भैया मिले हैं वही वाले, हाँ चलो मिलते हैं, ठीक है ठीक है। तो वो वाले भैया मिले थे ये, जिनको लेपर्ड दिखाई दिया था, जो कल बता रहे थे, लेकिन आज नहीं दिखाई दिया इनको, कह रहे आज नहीं दिखाई दिया। मैंने रोड के बारे में मालूम किया, कह रहे रोड तो ठीक है अभी। तो इकलौती भैया गांव का भला कर रहे हैं, कम से कम यहाँ टैक्सी चला रहे हैं, तो इस कॉलेज के स्कूल के बच्चे भी बैठे थे और गाँव के लोग भी बैठे थे। ये देखो भाई, भाई आधे घंटे में मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, फाइनली ये ऑफ रोड ख़त्म हुई, अब ये जा रही है सीधा। यहाँ से 10 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर नीलकंठ है, और खैर मुझे तो सीधा जाना है ऋषिकेश। तो भैया मेन नीलकंठ रोड भी काफ़ी ख़राब हो रखा है, और देखो क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टी हुई है तो कुछ बच्चों ने लिफ्ट मांगी है। छोटू तेरा नाम क्या है? अमन दास। और बाकी देखो पीछे, भाई मेरा चलान मत काटना पुलिस, देखो 4-4 लड़कियां बैठी हैं। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे ना उनको। अब ये चेहरा नहीं दिखाना चाह रही, ट्रैफिक जैम पूरा, देखो एक एक करके कार जा रही है, क्योंकि अपना नीलकंठ वाली ये कॉमन रोड आ गई है, ये सब ज्यादातर टैक्सी नीलकंठ जा रही है, तो इसलिए थोड़ा जाम मिलेगा। आज सैटरडे संडे तो नहीं है ना? नहीं आज नहीं है, वरना सैटरडे में बहुत ज्यादा जाम रहता है इधर सैटरडे में। यहाँ पे बाल कुमारी माता मंदिर है राइट वाले पहाड़ पे, तो जो मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं सब बता रहे हैं कि वहाँ पे जरूर जाना, बहुत शांति मिलती है। तो अभी जल्दी ब्लॉग आएगा वहाँ का। इस जगह को क्या बोलते हैं? खैर खाल। मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर आगे होंगे ना। चलो भाई खैर खाल पहुँच गए, इनको उतार देता हूँ। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? दिया ना GIC, गवर्नमेंट है ना। बाय। स्कूटी वाला बच गया भाई, ये रेंट पे स्कूटी ले लेते हैं, चलानी आती है नहीं, अभी गिर जाता, क्योंकि अभी मैं पहुंचने वाला हूँ मोहन चट्टी गरुड़ चट्टी, बिल्कुल ऋषिकेश के जो नीलकंठ टेम्पल वो है ना मणिकूट पर्वत, उसके फुटिल में, तो घना जंगल हो चुका है, अब बंदर और लंगूर दिखने चालू हो गए, और यहाँ हाथी भी रहते हैं। यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सो बैक टू तपोवन ऋषिकेश, और अभी बज रहे हैं 2:41, 2:45 हो गए ऑलमोस्ट, आने का भी टाइम हो रहा है, तो सीधा नेपाली के यहाँ पहुँचते हैं, बस पार्किंग मिल जाए वहाँ पे। तो पहुँच गया हूँ भाई फ्रॉग लाइफ कैफे, और अपनी कार पार्क हो गई ठीक जगह पे। अरे लद्दाख से तो मैं 5 दिन में आ गया, और मिला भाई नेपाली भाई से, कैसे हो? बढ़िया भैया, बढ़िया। बहुत दिनों बाद आज मैं वहाँ गया था जंगली रिजोर्ट राजा जी पार्क, कल भी आया यहाँ पे गाड़ी लेके यहाँ पार्क कर, देखा यहाँ कुछ कोई है ही नहीं। हाँ मंडे में छुट्टी रहता है। तो खाने में क्या क्या सब कुछ है? खत्म हो गया खाना, पनीर बटर मसाला कुछ चावल वावल सब कुछ। देखो उसके लिए बना रहा हूँ, ये क्या है? मोमो भाई छोटू से मिलो, देखो हमेशा पबजी खेलता रहता है यहाँ पे, भैया का लड़का है ये, पता नहीं कितना प्रो लेवल पे पहुँच गया क्या है, प्रो लेवल पे पहुँच गया, टाइम भी नहीं है बात करने का। एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं, और भाई आज ना कैफे खाली है बिल्कुल, कोई है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ ये छोटू ही बैठा हुआ है, बहुत थे चले गए मतलब। चलो अपनी एडिटिंग करते हैं, तक अभी 3 बज चुके हैं, आराम से जाऊंगा यहाँ से 1-2 घंटे में, और यहाँ पे सिर्फ राजमा चावल है, चावल बन रहे हैं, राजमा है और रोटी है। तो अपना भाई लंच आ चुका है, राजमा, ये देखो कितना सारा राजमा मिला है, और रोटी, और यहाँ पर ये कालू जो कि यहाँ पे सोता है, अंदर जाके वहीं जाके सोएगा ये, अरे आज तो यहीं बैठ गया। तो 5:15 बज गए हैं, फ्रॉग लाइफ पे अपना लंच हो गया है, वीडियो भी एडिट हो गई है, और यहाँ पर ये लंगूर भी आ गया है जो हमेशा यहीं बैठा रहता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है इसको खाने को। सो अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, 1.25 घंटे में शायद पहुंच ही जाऊंगा, फिर वॉक करते हैं घर पहुंच के, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। लेट्स गो। अभी तो ऋषिकेश खाली सा ही पड़ा है, अभी 10-15 दिन बाद जैसी रिवर गंगा साफ होगी, मतलब कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में तो भाई भर जाएगा सब। अगर आपको ऋषिकेश आना है ना, पर्सनल सजेशन है मेरा, मैं ऋषिकेश का एक्सपर्ट हूँ उस हक पे बोल रहा हूँ, अक्टूबर में आ जाओ, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आओगे ना, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आओगे तो सबसे सुपर्ब है,
और नवंबर में आओगे तो भी ठीक है, पर दिसंबर वगैरह में नहीं। बस सबसे बेस्ट तो भाई अक्टूबर है, अक्टूबर में सबसे ज़्यादा क्राउड आता है यहाँ पे, सबसे अच्छा क्राउड। भाई मैंने ये सेंसर लगाया ना तो इसके तीन ही टायर की हवा बता रहा है, एक की नहीं बता रहा। तो मैंने ओनर से बात की थी, सुनील वर्मा जी से, सोनीपत वालों से जिन्होंने भेजा था, उन्होंने बोला बहुत रेयरली होता है ऐसा, आप ना इसको खोल के एक बार बैटरी थोड़ा टाइट कर देना। तो चलो मेरे को टाइम नहीं मिला, घर जाके करूँगा, कल करूँगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक टायर जो फ्रंट का लेफ्ट टायर है उसमें कम होती जा रही है हवा, पहले 28-27 थी, 15 आ गई है। क्या ये रियल में मेरे टायर की हवा कम हो रही है? अभी चेक कराते हैं भाई आगे ऋषिकेश से निकलने से पहले इसको चेक कराऊंगा क्या अगर ऐसा है तो, क्योंकि पत्थरों से हो क्या ये राजा जी नेशनल पार्क से, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, बहुत नोकीले पत्थर थे, हो सकता है पंक्चर हो गया हो। फिर भी देख लेते हैं क्या सीन है इसका, क्या ये सही है या फिर इसका सेंसर बेकार है, देखते हैं। भाई हवा तो कम हो रही है, अच्छा हुआ मैंने ही सेंसर लगवा रखा है, सेंसर का फायदा तो हुआ है, कम से कम पता तो चल गया हवा तो भाई कम है इसमें, देखने में मालूम चल रहा है। देखो ये नहीं पता लीक कहाँ से हो रही है, इसको निकाल लेते हैं। ये भाई बोल रहे हैं इसमें पंक्चर ही है, जब इन्होंने हवा भरी तभी मालूम चल गया तो, पर लेकिन अभी इनको यहाँ पे तो बहुत सारे फ्री हवा भरवाने वाले आ रहे हैं, पता नहीं कैसे लगवा पाएगा भाई ये, पूछ लेता हूँ टाइम है या नहीं है। आवाज़ भी आ रही है हवा निकलने की, पहली बार कार में पंक्चर हुआ भाई, देखते हैं क्या चीज़ घुसी है, कील है। चलो ये अच्छा हुआ इसकी बहुत धीरे धीरे हवा निकली है, पता है सुबह का हो रहा है ये, हाँ ये हो रखा है। पंक्चर तो लग गया है भाई, रियली पंक्चर था और कील थी एक ऐसी लंबी, इतनी लंबी कील थी, और थैंक्स टू दिस सेंसर भाई, संयोग देखो 2 साल में पहली बार पंक्चर हुआ और सेंसर ने बता दिया, अगर सेंसर नहीं होता ना मैं जंगल में फंस जाता और बहुत ज़्यादा कम हवा हो जाती, पता ही नहीं चल पाता, वो ख़राब हो जाता टायर। तो थैंक्स टू दिस सेंसर अब चलते हैं भाई, थोड़ा लेट तो हो गए हैं, 5:40 हो गए। सबसे अच्छी बात पता क्या रही कि कल रिजोर्ट जाते हुए पंक्चर नहीं हुआ, कील नहीं लगी, वरना कल ही हवा निकल जाती रात रात में ही सारी, वो सुबह जब मैं आया तब लगी वो कील, और सुबह से अब तक ही 15 होगी हवा। ये देखो दोस्तों पूरे ऋषिकेश की तरफ बारिश नहीं थी, पूरा ड्राई था, बस सुबह थोड़ा ड्रिजलिंग हुई थी जंगली रिजॉर्ट पे, बाकी ऋषिकेश वगैरह में तो कुछ था नहीं खास। और यहाँ पे देखो पूरा डार्क, पूरा सड़क गीली हो रखी है एयरपोर्ट की तरफ से आगे का। हवा भरने वाले ने एक तरफ 35 कर दी हवा, जो पहले भरी हुई थी राइट और लेफ्ट राइट साइड में, वो 32 और 31 इसने 35 कर दी। जंगल देख लो भाई कितना घना है, ये घना जंगल बस अभी 10-15 दिन और देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे फॉल शुरू हो जाएगा, ऑटम शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो गया, अभी मैं स्थल के फॉरेस्ट में हूँ, बस यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में, और अभी बज रहे हैं 6:45, यानी कि 7 बजे एग्जैक्ट पहुँच जाऊँगा। अगर पंक्चर ना लगवाना होता, पंक्चर लगवाने के चक्कर में ना 20-25 मिनट खराब हो गए वहाँ पे, फिर तो मैं आके वॉक भी कर लेता अपनी कंप्लीट, लेकिन अब तो भाई घर में ही सेटल डाउन हो पाऊँगा, 8 बजे तक थक जाऊँगा, फिर चलो एडिटिंग ही कर लेते हैं, आज वॉक करते ही नहीं है, कल सुबह फिर जिम जाएंगे, जिम तो अपना रेगुलर चल ही रहा है, बस आज का छूट गया, इतना तो छुटेगा भाई, इतना तो छुटेगा इधर उधर काम करने में, फिर संडे को जाना है गांव में। सो इज बैक टू होम देहरादून, और बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मसूरी के पहाड़ बिल्कुल फोग आया हुआ है।